तो ये जो ज़िंदगी होती है ये हंसती मुस्कुराती हुई हर टाइम नहीं गुजरी होती, ये बड़ी बड़े मुश्किल आती हैं, बड़े बड़े आउट कर रहा हूँ 15,000 का कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आजकल मैंने थोड़ा सा रुझान जो है मंडियों की तरफ का किया हुआ, क्योंकि मेरा अपना बहुत ज़्यादा शौक है, मंडी का तो है ही है लेकिन जानवरों का ज़्यादा है। मंडी का इतना शौक नहीं है यार, थकान टूट देती है। कल से मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार हुआ है, तो आज भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाटा चौक लाइव जाएं, तो मैं जाता हूँ इंशाल्लाह। लाइव का सीन देखते हैं आगे क्या सीन हो रहा है क्या नहीं है, तो इंशाल्लाह जाके चेक करते हैं। बाकी जो कि वे मैंने देना था वो कि वे हो गया, किस तरह हुआ है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बाकी जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ये मंडी के दिनों को गुजरने के बाद मेरे सेटअप की वीडियोज़ वगैरह आएंगी। और दूसरा यार, आप लोग से मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ मैं, और वो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे ऊपर से कबूतर गुजरा वाइट कलर का, तो यार मैं क्या व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ? मेरा एक चैनल है मलिक रुमान व्लॉग्स के नाम से, हमारा है ये तो अपना, वो दूसरा चला गया मलिक रुमान व्लॉग्स के नाम से, तो उस पर एक दो व्लॉग पड़े हुए हैं, बाकी 300 के करीब कोई सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या उस पर वीडियोज़ वगैरह अपलोड करना शुरू करूँ? मेरा इरादा हो रहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की व्लॉगिंग करना स्टार्ट करें, फिर मरी वगैरह का, अहमदाबाद का, बलूचिस्तान का, इन एरिया का टूर करना स्टार्ट करें। तो अगर आप उस एरिए के हैं तो आपने लाजमी कमेंट करना है। बाकी हाँ, आप जिस जिस एरिए से बात करें या मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी आप बताइएगा अपना नाम और अपने शहर का नाम। बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आएँ सेटअप का व्यू देखें। ज़्यादा मेरे से जैकी की प्राइस वगैरह पूछ रहे थे, तो आप इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक अकाउंट पर आ जाएं, तो वहाँ पर इनबॉक्स में मैसेज करें, ये मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँगा या इधर ही बता दूँ। यार सीधी जो बात है, मैंने वीडियो में बताया था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव परचेज़ किया था, लेकिन अभी आगे मैं बिल्कुल इसे तंग हुआ हूँ। इसने कल भी मेरा एक नुकसान किया है, पता ही क्या, मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा प्रॉपर। मैं यहाँ घर होता नहीं हूँ, तो छोटा मेरा कज़न या वो हसनैन इसका जो बड़ा भाई है यही करते रहते हैं, तो ये चेक ही हमारा नुकसान कर रहा है, तो इसलिए इसको मैं सोल्ड आउट कर रहा हूँ। जो मैंने परचेज़ किया था वो काफ़ी एक्सपेंसिव किया था, लेकिन जो मैं सोल्ड आउट कर रहा हूँ 15,000 का कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारे माशाल्लाह से तीतर के बच्चे काफ़ी एक्टिव जा रहे हैं फिल वक्त माशाल्लाह। ये चेक करें, हाथ में नहीं आते इतनी जल्दी, अब खा पी लिया। ये इस तरह पकड़ के एक साथ चेक करते हैं ना, वो इनका पोटा चेक करते हैं, मतलब पेट हो चला गया कि इन्होंने खाया पिया है कि नहीं, खा पी लिया। तो यार अभी तक मैं इनको वही डाल रहा हूँ, हर दफ़ा मेरे जहन से नाम निकल जाता है, सूजी है कि सूजी तो नहीं है, खैर पता नहीं क्या है, गंदी। एक हमारा सील मुर्गा यहाँ पर बंद है, मुझे कह रहे हैं कि सील का शौक करवाएं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कुर्बानी वाली ईद के बाद इंशाल्लाह ये वाला पे केज आज उठा के अंदर रखना है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले तो फ़नान मेरा इंतज़ार करता रहा, वीडियो मैंने स्टार्ट किया तो गायब हो गया, अब अकेला इसको नीचे उतारना पड़ेगा। एक सेकंड नहीं खोलते, खोलो अंदर से। क्या बस, जल्दी जल्दी उस साइड से आओ, जल्दी करो, अंदर आओ, उठाओ वहाँ से जल्दी से, फ़नान आ गया। के जब अंदर ले आए, दरवाज़ा बंद कर, दरवाज़ा बंद कर, बाहर निकल जा, कुंडी लगा भाई से उस साइड से। आप लोग भी सोच रहे होंगे केज अचानक से मंदिर क्यों ले आए, जो बस एक्स्ट्रा कबूतर है जोड़े वाले को इसे दाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि दाना जोड़े वालों के आगे दो टाइम तीन टाइम डालना पड़ता है और इनको एक टाइम, इसलिए इनको अब उस पिंजरे में बंद करना है। उनको मैं दे रहा हूँ फनान उस केज में छोड़ता आ रहा है, और जो हमारा गिवे है वो काइट लवर्स के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उनका गिवे निकला। कल मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी तो अचानक से बस उसी में मैंने उनको गिवे दे दिया। ये एक कबूतर हमारा एक्स्ट्रा, इसको बाहर निकाल दो, मैं आपको बताता हूँ हमारा कबूतर भाग गया है। सारे वो लेके जाओ, ये वाला आज़ाद कर दो, क्या पता ब्रीड कर दे, ये ब्रीड नहीं कर रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया का पेयर, कौन सा छूट गया, खैर है मैं पकड़ लेता हूँ। ये वाला पेयर हम गिवे कर रहे हैं, ये वाले बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, ठीक है बाहर निकाल दो। ओहो यहाँ से तो जाली टूटी हुई है बच्चों, यहाँ से निकल जाएंगे, पसंद वाले साइड कर दो, बाद में मैं फ्री होकर इसको तार बांध लूँगा। ये हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कबूतर हैं, ये वाला भी हमारे पास एक पेयर लग गया है, ये मेल है और हसीब आखिरी दिनों में ना जाते हुए हसीब आलिम बनने के लिए चला गया है और ईद गुजार के आएगा, ये इसके साथ फीमेल है। आप इसकी एक आंख का कलर देखें तो ब्लैक है, और दूसरी आंख का कलर देखें तो यू मल्टाई सा है, माल्टा कलर सा है, उड़ाई वाली, उड़ाई तो नहीं है वैसे है, ये चोगी है, इसको भी आज़ाद करते हैं। ये फीमेल हसीब लेके आया था और उसके साथ वो मेल, ये मेल हमने पकड़ा था, ये पेयर लग गया। एक हमारा लक्का उड़ गया और दूसरे लक्के की आँख ख़राब हो गई है, तो इसको कतरे डालते हैं, कतरे मीन्स ड्रॉप्स, बहुत बहुत फिट। अगर आपकी कबूतरों की आइज़ वगैरह ख़राब है या किसी बर्ड की भी, तो ये वाले ड्रॉप्स यूज़ करें।
मशरूम थे। मुझे रोमान भाई ने भेजा है भाई, बारे बीमार हैं उनको लेके आओ, ये हम अभी दो पकड़ने लगे हैं। हमारे गुब्बारे के पट्टे निकले ना वो बीमार हो गए, और मेरे ख्याल में इनको हो गया जी गैज़ा, और नहीं नहीं शुगर लगा रहा हूँ, इनके पोटे बंद हो गए तो इनको मैं ये पिला रहा हूँ फ्लैजल। ये जो एक्स्ट्रा कबूतर है इनको पहले दाना डाल लें, क्योंकि बाहर वाले, ये अगर बाहर वालों को पहले डाला तो ये बेचारे बाहर जोर लगाई रखेंगे। खा लो आ जाओ, कबूतरों का पानी भी फ्रेश कर लेते हैं। पानी तो आ गया दोनों का फ्रेश, ये हो गया इनका और ये हो गया इनका। जी जी आ गया आ गया, वायरस नैन बुला रहा है, जल्दी आओ, पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया? तीतर नीचे आ गया, ये पहले भी कहीं से आया था। चलो पकड़ कंबर कर दो, गंद नहीं खाओ। आए दोनों तीतर वापस ऊपर चले गए। कबूतर मेरे बहुत ज़्यादा इंतज़ार में, देखें सारे भूखे हुए हुए हैं, इनको पहले बाजरा डाल लेते हैं। अच्छा तो माशाल्लाह कुछ चिक्स की प्रोग्रेस, तीन इसके नीचे और ये तीन तीन ना सीव नहीं किए थे, तीन इसके नीचे एक रखा था, ये उड़ाई वाला जो अच्छा जोड़ा है जिसके पहली दफ़ा वाले दोनों बच्चे हमारी गलती का इस्तेफा गए थे, तो अब उठा के मैंने वापस उसके नीचे रख दिया। ये माशाल्लाह से सबसे बड़े बच्चे जो हमारे हैं, सीव की आज मेरे से बात हुई है तो मैं ये कहता है कि इनको बांध के कब बाहर निकालोगे, निकाल दो। मैंने कहा अच्छा जी, इनको भी बाहर निकालते हैं। बाकी एक ही हमारा उड़ाई वाला नर जो हमने पकड़ा था, दाना खा लो। ओ अच्छा, चार अंडे। कुछ ऐसा है, ये वाला जो बच्चा है ना ये इसका था, तो ये ऊपर बैठ नहीं रही थी तो मैंने उधर रख दी, और इसको हैंड फीड करवा रहा हूँ। हैंड फीड में मैं इनको बेसन दे रहा हूँ, केला बंदा हूँ, फीडिंग करवाते हुए मैं वीडियो नहीं बना सका, तो ये बच्चा इसके नीचे हीट के लिए रख देते हैं ताकि गर्म रहे। नेस्टिंग के लिए इसका काम देखें, क्या क्या चीज़ लेके उठा के लेके आए हैं। ये जो अंडे हैं ना ये हमारे गुब्बारे पेयर के, इनको मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा फर्टाइल है कौन सा अनफर्टाइल। ये तो अनफर्टाइल है, और ये अंडे इसने दिए थे गुब्बारे ने उस साइड पर, तो ये बारिश की वजह से गीले हो गए हैं, फीमेलों पर बैठ नहीं रही थी, तो मैं चेक कर लूँ पहले। एक अंडा चेक करने से पहले टूट गया और दूसरा भी किराया गया, तो दोनों फेंकने, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। कबूतर जो हमने हिलाने के लिए बाहर निकाले हुए हैं वो बाहर ही हैं, दाना पानी मैंने अंदर वालों को डाल दिया, तीतर पिंजरे में डाल दिए हैं, मुर्गियाँ चूजेदार हैं, इनको हसनैन पीछे से रोटी डाल देगा, और ये वाले कबूतर अपना दाना पानी खा पी रहे हैं। ओहो मैंने तोते तो आज दिखाए नहीं है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो उनकी ख्वाहिश फरमाइश होती है कि आपने तोते हर वीडियो में कवर करने, तो ये लें भाई आपके लिए खसूसी वीडियो। ये हमारे हो गए बजीज, और ये हमारे हो गए कॉकटेल, और कॉकटेल मैं आज़ाद करने की बात कर रहा था, तो इस रूम में आज़ाद करने की बात कर रहा था, लेकिन वो ईद के बाद इंशाल्लाह अभी तक बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, वो मैं बाहर इनको खुला आज़ाद करने की बात नहीं कर रहा था। भाई कहते हैं कि इनको परिंदे पकड़ लेंगे, चीले पकड़ लेंगे, मुझे बिल्कुल पता है कि इनको कोई चीज़ छोड़ती नहीं है। ये रोटियाँ भिगोई हैं, शमीर को मैंने कॉल किया तो वो मेरे घर आ रहा है, अब मैं और शमीर यहाँ से मंडी जाएँगे, तो मैं जल्दी जल्दी से मुर्गियों को, चूज़ों को, बतखों को रोटी डाल लूँ। खरगोश इधर हमारे कॉर्न खा रहे हैं, मतलब भुट्टा, छली का ही भुट्टा होता है, और किसी चीज़ का नहीं होता, नहीं और भी होते हैं, बाजरे का भुट्टा भी होता है। मंडी में ब्लॉग आगाज़ करने से पहले हमारा इधर हो रहा है दिन का खाना, इमली की चटनी है, भिंडी है, मुझे नहीं पसंद, आलू है, सालन में रोटी है, चावल है, और मैं चावल ही बिरयानी आई थी, नज़र आई है गोश्त, बिरयानी है, मैं और शमीर भाई खा रहे हैं। दोस्तों वीडियो के आगाज़ में भी आपने मेरी हालत देखी है, और वीडियो के इख्तिताम पे भी हालत देख लें, मैं उसके बाद बाटा चौक चला गया। बाटा चौक जाने के बाद बहुत शदीद सर्दी लगने लग गई, जिसम टूटने लग गया, और बुखार हो गया। रात को हॉस्पिटल गया, उन्होंने कहा जी आपको 104 बुखार है, आप लेट जहाँ बेहोश होने वाले, और वाकई मेरी हालत बेहोशी वाली थी, आधा मैं बेहोश था आधा मैं होश के अंदर था। उन्होंने टैबलेट्स वगैरह दी, कुछ पानी वगैरह पिलाया, पानी में भी कोई मेडिसिन थी, और काफ़ी देर मुझे उधर लेटा ही रखा, उसके बाद कोई ड्रिप वगैरह लगाई, इंजेक्शन वगैरह लगाए और टैबलेट्स वगैरह दी, मैं घर आ गया। आज अगला दिन है और तकरीबन दिन के 11-12 बज रहे हैं, 9 बजे का मैं पर हूँ, बहुत आराम आराम से दाना पानी डाल रहा हूँ। हसीब जो है वो आलिम बनने के लिए चला गया है,
अभी घर के सेटअप पर भी मैं खुद हूँ, बाहर के सेटअप भी मैं खुद हूँ, फेसबुक भी खुद हैंडल करनी है, यूट्यूब भी खुद हैंडल करना है, तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है और सेहत साथ नहीं दे रही यार। आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली सेहत के लिए लाजमी ज़रूर दुआ करें। और ये आपके सामने तो 11 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की, 8 मिनट की प्रेजेंटेशन आ जाती है, हमारी छोटी सी वीडियो आ जाती है। और बाकी के जो मामलात होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो कोशिश हमारी यही होती है कि जब हम कैमरे के आगे आए ना तो बस हंसते मुस्कराते रहें। तो ये जो ज़िंदगी होती है ये हंसती मुस्कराती हुई हर टाइम नहीं गुजरी होती, ये बड़े बड़े मुश्किलात आती हैं, बड़े बड़े मोड़ आते हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चढ़ता उतरता रहता है। तो इस टाइम जो मेरी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुई है, और एक तो बुखार में टूट रहा हूँ, दूसरा ये ज़ख्म, और तीसरा गोली वाला दर्द, बिल्कुल बर्दाश्त इस टाइम बाहर हुआ हूँ। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जैकी भी सेल करूँ, स्कूबी भी सेल करूँ, स्कूबी डेरे पर गई हुई है लेकिन सेल कर दूँ, क्योंकि वहाँ पर उसकी उस हिसाब से केयर नहीं हो रही, और मैं वो चीज़ रखता हूँ जिसकी मैं केयर कर सकूँ, जब चीज़ की केयर ना हो ना तो मेरे से वो चीज़ रखने नहीं होती। तो बाकी जैकी भी सेल करना है, स्कूबी भी सेल करनी है, और आगे चेक्स और डक्स भी सेल कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इस रूम को पूरा डेकोरेट करना है और इसमें एवरी बनानी है बर्ड्स की, कुछ ब्रीडिंग लेंगे और कुछ अपना शो करेंगे, और बाकी जो बाहर का सेटअप है वो भी तैयार करेंगे लेकिन ईद के बाद। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी सेहत ने साथ दिया तो बात तो कोई पता नहीं है, जैसे इलाज चल रहे हैं कि मैं वीडियोज़ वगैरह बना सकूँ, अपलोड कर सकूँ, आज की वीडियो भी एडिट करना बहुत मुश्किल है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।